हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के कुछ बेहतरीन इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सभी सवालों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। एक बात बता देता हूँ कि कुछ से पहले कुछ वीडियो मैंने सोशियोलॉजी के आप सभी बच्चों के लिए अपलोड किया हुआ है, चाहे वो मॉडल सेट हो चाहे वो इंपॉर्टेंट सवाल का हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके जरूर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आइए हम पहला सवाल देखते हैं। देखिए पहला सवाल हमारा, सामाजिक नियंत्रण नामक जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, उसको पूछा जाएगा तो याद रखिए रॉस है। क्या है? रॉस है, ठीक है। फिर अगला हमारा, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं या फिर क्या अभिप्राय अगर आपको बोला जाए? तो परिवर्तन देखिए क्या है, प्रकृति का नियम है। आप चाहे ना चाहे प्रकृति का नियम है परिवर्तन, चेंजिंग होना, वो होके रहेगा। प्रत्येक समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होता है, वो निरंतर रूप से चलती रहती है। जोन्स का कहना यह है कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्दावली है जो सामाजिक प्रक्रिया हो गया, आपका सामाजिक स्वरूप हो गया, सामाजिक अंतःक्रिया अथवा सामाजिक संगठनों में किसी भी पहलू में परिवर्तन के संबंध में प्रयोग की जाती है, उसे ये परिभाषा दी। ये पहला बात बता जोन्स के अनुसार है। लेकिन अगर सामाजिक परिवर्तन कहना चाहे तो प्रकृति देखिए परिवर्तन नियम है, आप चाहिए ना चाहिए समाज में परिवर्तन होता रहेगा, इसी प्रोसेस को हम लोग सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, प्रतिस्पर्धा है वो किस समाज की विशेषता है? तो प्रतिस्पर्धा याद रखिएगा आधुनिक समाज, जो हमारा मॉडर्न समाज चल रहा है, ठीक है, मॉडर्न सोसाइटी, उसी का एक पार्ट होता है, ठीक है। अगला हमारा, संस्कृति के भौतिक पक्ष को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा संस्कृति का भौतिक पक्ष क्या है, वो है सभ्यता। कौन सा है? वो है सभ्यता। फिर अगला हमारा, सोशियोलॉजी की अवधारणा का सृजन किसने किया? तो सी राइट मिल्स के अनुसार, सत्ता का तात्पर्य निर्णय लेने के लिए अधिकार तथा दूसरों व्यक्तियों के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार तथा संबंधित व्यक्तियों की इच्छा के विरुद्ध प्रभावित करने की क्षमता, ये क्या करती है? सोशियोलॉजी की अवधारणा का सृजन इसने किया है, ठीक है। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिक कारण, देखिए प्रौद्योगिक कारण दो कारण यहाँ दो प्रकार से होते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रभाव से हो सकता है, एक अप्रत्यक्ष, यानी कह सकते हैं आप लोग एक डायरेक्ट इफेक्ट है, एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है। दो भागों से ये क्या कर सकता है, इफेक्ट कैसे कर सकता है? तो क्या क्या है? पहला कि सामाजिक परिवर्तन का एक मुख्य स्रोत जो है वो प्रौद्योगिक कारक है। प्रौद्योगिक कारक का प्रभाव जो होता है मानव के जीवन तथा समाज पर विभिन्न प्रकार से पड़ सकता है। इसे मैकाइवर ने देखिए दो भागों में बांट कर रखा है, एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जो मैंने आपको बताया जो प्रौद्योगिकी के प्रत्येक प्रभाव इस विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित स्पष्ट किया गया। पहला क्या है, आप इसमें देखिए बहुत से पॉइंट लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको देखिए यहाँ पर 9 पॉइंट लिखा हुआ है। एक नवीन श्रम संगठन, दूसरा है विशेषीकरण। देखिए तो प्रौद्योगिकी के विकास के कारण बड़े बड़े जो औद्योगिक संस्थानों की क्या हो चुकी है, स्थापना हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में जो श्रमिकों का कार्य करना वह आवश्यक हो चुका है। इस स्थिति में शोषण से हमें बचने के लिए तथा सुविधा के लिए श्रम का जो नवीन संगठन है वहां पर क्या अनिवार्य करना होगा। फिर दूसरा है विशेषीकरण, तो पहले व्यक्ति हर काम को कर सकता था, परंतु प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप क्या हो गया, उत्पादन जो वो बड़े पैमाने पर होने लगा। इस प्रकार के उत्पादन कार्यों में देखिए श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की आवश्यकता पड़ती है। ये क्या है, सामाजिक परिवर्तन प्रौद्योगिकी का क्या है, एक कौन सा प्रभाव है, याद रखिए एक कौन सा प्रभाव, प्रत्यक्ष है। अब अप्रत्यक्ष कुछ कारण है जिसके कारण ये हो सकता है। पहला है देखिए बेरोजगारी, प्रौद्योगिकी के विकास के कारण जो कुटीर उद्योग धंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे उनमें काम करने लोग क्या हो चुके, वो बेकार या फिर बेरोजगार हो चुके। प्रतिस्पर्धा इन कंपटीशन में कह सकते हैं वृद्धि हो चुकी है। प्रौद्योगिकी के कारण उद्योग में मशीनीकरण आ चुका है, जब मशीन आएगा तो सीधा बात है लोगों की जनसंख्या लगातार, लोगों की जो संख्या किसी भी इंडस्ट्री काम करने वो लगातार घट सकती है। श्रम विभाजन हो गया, ठीक है, डिविजन ऑफ लेबर एंड दत विशेषीकरण की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ चुकी है। फलतः उत्पादन में वृद्धि हो चुकी है, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। और आज की जो औद्योगिक प्रतिस्पर्धा गलाकाट प्रतिस्पर्धा चल रही है, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि, व्यापार में गतिरोध तथा विभिन्न आर्थिक हमारे जो अपराध इसके परिणाम है, इसके फलस्वरूप बड़े बड़े बाजारों का जो क्या वो विकास हुआ तथा नवीन आर्थिक एवं व्यापारिक आदर्शों का विकास हुआ तथा नवीन नैतिकता सामने आई। इस प्रकार जो प्रौद्योगिकी है वो क्या होगी, प्रभाव से विकसित हुई प्रतिस्पर्धा को भावना का समाज के सामने विभिन्न पक्षों पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो दो तरीके देखिए मैंने पढ़ लिया कि इफेक्ट इस पर डाला जा सकता है, एक प्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में आप दो पॉइंट लिख सकते हैं, एक नवीन श्रम संगठन, दूसरा आप लोग लिख सकते हैं क्या, विशेषीकरण। और आप लोग लिख सकते हैं अप्रत्यक्ष में एक बेरोजगारी, प्रतिस्पर्धा में आप लिख सकते हैं वृद्धि, ठीक है। फिर अगला हमारा एकांकी परिवार, जिसे आप हिंदी में इंग्लिश में कहा जाए तो शायद जाना मुझे याद आ रहा है, आप इसे लिख सकते हैं सिंगल फैमिली या फिर न्यूक्लियर फैमिली से जहाँ इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस पर टिप्पणी करना है कि क्या होता है क्या नहीं बताना है। तो देखिए एकांकी परिवार से हमारा अभिप्राय यह है
कि परिवार है, ऐसा परिवार हो जिसमें समान समान अधिकार होता है, पति पत्नी हो और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, इस प्रकार उनके सदस्यों की संख्या, क्योंकि देखिए भारत में अभी तक कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि पर कोई भी ऐसा प्रतिबिंब लगा है जिस कारण हो सकता है कि उस जो हमारे कैसे एकांकी परिवार है वहाँ पर जनसंख्या लगभग 5 से 6 हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा कहीं नियम लगा दिया तो वो संख्या घट भी सकती है। तो अभी तो मान के चलिए कि 5 से 6 जनसंख्या हो सकता है। फलस्वरूप आकार की दृष्टि से यह परिवार क्या होता है, हमने एक पढ़ के रखा था संयुक्त परिवार, एक हमने पढ़ एकांकी परिवार, ठीक है। आकार की दृष्टि से यह परिवार क्या होता है, सबसे छोटा होता है। पहले भारत में ऐसे परिवार के क्या, क्योंकि भारत में पहले जो लोग रहते थे वो एक साथ मिलकर रहते थे, और आपको मालूम होगा एक साथ जिसे हम लोग रहते हैं तो जॉइंट फैमिली कहा जाता है, जिसमें दादाजी दादी सब मिलकर क्या कर, चाचा चाची जितने भी लोग रहते थे वो सबके साथ एक मिलकर। लेकिन फिलहाल अभी हमारे भारत में एकांकी परिवार का प्रचलन चल रहा है। औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के कारण संयुक्त परिवार में विघटन होने से भारत में एकांकी परिवार का प्रचलन जो लगातार बढ़ता चला गया है। भारत में हुई अध्ययनों से इसकी पुष्टि होती है कि आज लोग एकांकी परिवार को ही क्या करते, पसंद करते हैं, फलतः इसकी लोकप्रियता बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी हुई, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एकांकी परिवार में आप क्या रह सकते हैं, शांत से अपने कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखा जाए संयुक्त परिवार में जहां पर आपको हर तरह की, आप कह सकते हैं कि आपको हर तरह का प्यार मिलेगा, ठीक है, अच्छे रिश्ते मिलेंगे, अच्छे बात व्यवहार करेंगे, बहुत सी बातें सीखने मिलेंगी। वहीं पर देखिए आपको जो भी आप कह सकते हैं, अगर आप एजुकेशन सेक्टर पर देखने जाएं तो आपको वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वही एकांकी परिवार आप आराम से अपना जो भी स्टडी मटेरियल है वो आराम से पढ़ सकते हैं, घर पर बैठे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये एकांकी परिवार की कुछ विशेषता थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगला सवाल देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि स्थानांतरित खेती से आप क्या समझते हैं। तो देखिए स्थानांतरित खेती में जंगल के पेड़ों को काटकर उन्हें एक स्थान पर एकत्रित कर जला दिया जाता था, फिर राख को खेती करने योग्य जमीन पर क्या करते थे, बिछा दिया जाता था, इसमें फिर बीज बोया जाता था, अब बारिश होने पर क्या होता, बीज उसमें उगाते थे और 1 या 2 वर्ष के बाद उस स्थान को भूमि की देखिए जो उर्वरा शक्ति वो समाप्त हो जाती, तो उस स्थान को परिवर्तन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली खेती को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरित खेती कहा जाता है। इस प्रकार की खेती में देखिए जो मोटा हो गया अनाज हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, मटर चना आदि इसमें उत्पन्न होते हैं, कुल उत्पादन कम होता है, सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बदले विनिमय के लिए एक्सचेंज के लिए फूड ऑफ एक्सचेंज के लिए हमें अनाज नहीं मिल पाता, इस प्रकार की खेती जो होती है वो सामूहिक स्तर पर होती है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा औपचारिक शिक्षा का अभिप्राय क्या है। तो देखिए आप समझ सकते हो औपचारिक क्या है, औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति को निश्चित ध्येय और निश्चित योजना के अनुसार दी जाती है, यह कुछ विशेष संस्था हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, विश्वविद्यालय के माध्यम से दी जाती है, यह प्रायः 3 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता है और 25 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। इस शिक्षा के मूल तत्व शिक्षार्थी हो गए, शिक्षक हो गए तथा शिक्षण प्रणाली माने जाते हैं, यह प्रायः क्या होता है, व्यवसायोन्मुख होता है, ठीक है, यह होता है हमारा औपचारिक शिक्षा, ठीक है। तो ये था, मैंने आपको टोटल 9 सवाल करवा दिए सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र से जुड़े हुए। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल पसंद आए होंगे और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा सवालों को, याद करके जो जितना भी सवाल करवाते चल रहा हो सोशियोलॉजी का जरूर करते चले, ठीक है। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करें और जितना उसके वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर।